पर एक बहुत बड़े सिद्धांत पर, नीति पर काम हो रहा है और उस विचारधारा का, उस नीति का, उस सिद्धांत का नाम है आत्मनिर्भर भारत। अब आत्मनिर्भरता यहाँ केवल राजनीतिक नारा नहीं है, यह मात्र एक आर्थिक नारा भी नहीं है। किसी भी देश की आत्मा होती है उस देश की जो ताकत है, चाहे वो खेती की ताकत है, चाहे वो शिक्षा स्वास्थ्य की ताकत है, वहाँ के युवाओं की प्रतिभाओं की ताकत है, अथवा किसी भी प्रकार का उस देश के अंदर कौशल है, स्किल है, एग्रीकल्चर इंडस्ट्री, मैन्युफैक्चरिंग, सर्विसेज से लेकर के हेल्थ, एजुकेशन, रिसर्च और देश के सैकड़ों हजारों घटक होते हैं। देश जो है वो केवल जमीन के टुकड़ों से नहीं बनता है, देश कुछ चंद व्यक्तियों से नहीं बनता है। आज भारत है तो 135 करोड़ की आबादी है और 135 करोड़ का मतलब होता है 270 करोड़ वर्किंग हैंड्स। अब 270 करोड़ हाथ यदि देश निर्माण में लग जाएं ठीक से, तो भारत एक साल में विश्व की सबसे बड़ी आर्थिक और राजनीतिक आध्यात्मिक महाशक्ति बन सकता है। यह है आत्मनिर्भरता का मूल दर्शन, मूल सिद्धांत। अब इसमें करना क्या है? करना यह है कि जो व्यक्ति जितना जिस काम को जानता है, जिसकी जैसी क्षमता योग्यता है, जिसमें जैसी कुशलता है, यद्यपि दार्शनिक दृष्टि से हम बोलते हैं हम सब एक समान हैं, इसका मतलब वी हैव इक्वल नॉलेज, इक्वल स्ट्रेंथ, इक्वल पावर एंड इक्वल अपॉर्चुनिटीज इन आवर लाइफ, इसमें कोई भेदभाव नहीं है, सबके पास समान ज्ञान है, एक जैसा मस्तिष्क है, एक जैसा हृदय, एक जैसी संवेदनाएं हैं, एक जैसा सामर्थ्य है, लेकिन अपने ज्ञान, संवेदना और सामर्थ्य का हम एक जैसा उपयोग नहीं कर पाते हैं। ये है समस्या। तो फिर जिसका जैसा ज्ञान है, क्योंकि ज्ञान, संवेदना, सामर्थ्य को पुरुषार्थ से बढ़ाना पड़ता है, बीज रूप में वो सामर्थ्य होता है सबके भीतर, उसको तराशना पड़ता है, गुरु उसको तराशता है, आदमी मेहनत करके अपनी कुशलताओं को वह तराशता है, जिसको हम कौशल कहते हैं, जिसको हम स्किल कहते हैं, स्किल को फिर अपग्रेड करते रहते हैं। सबके पास समान सामर्थ्य होते हुए भी उसको तराशना पड़ता है, उसको उपयोग में लाना पड़ता है, जानना अलग बात है, उसको जगाना अलग बात है, उसको सही दिशा में लगाना अलग बात है। यही कन्फ्यूजन्स होते हैं। कुछ लोग स्वयं को जानते नहीं, जानते हैं तो अपने आप को जागृत नहीं करते, जागरण तो करना पड़ेगा, फिर कुछ सही दिशा में लगा नहीं पाते, लगते हैं तो निरंतर नहीं लगा पाते, निरंतर भी लगे हुए हैं तो बड़े उद्देश्य के लिए अपने आप को नहीं लगा पाते। तो ये छोटी छोटी बातें हैं और हमें आज बस मैं एक छोटा सा आपको सूत्र दे रहा हूं। वैसे रोज मैं बोलता हूं कि ये भारत सुबह सुबह एक से दो घंटा उठ करके योग करना शुरू कर दे और 14 से 16 घंटा राइट डायरेक्शन में काम करना शुरू कर दे, तो भारत जैसा ताकतवर देश पूरी दुनिया में कोई दूसरा नहीं है। यहां पर इतनी युवा शक्ति है, यहां इतना सामर्थ्य, इतनी प्रतिभाएं हैं, इतनी कुशलताएं हैं, उसको राइट डायरेक्शन में लगाने की जरूरत है। हमने यहां आप युवा भारत के कार्यकर्ता भाई बहनों को बुलाया है और आप सब बहुत श्रद्धापूर्वक, कार्यकर्ता यहाँ नहीं है, कार्यकर्ता उधर है, है ना? तो जो है क्यों बुलाया हमने, ये एक उसका एक उपलक्षण है कि इस कोरोना का कुछ बड़ा कर सकते हैं और इसमें 1000 भाई बहनों को तुरंत, और हम इसमें
5000 भाई बहनों को भी सेवा में लगा सकते हैं। इतना बड़ा ये कार्य है। और कार्य क्या है, अभी तो तत्काल रूप से आपको ऑर्डर मी की सेवा के लिए आमंत्रित किया गया है। कहीं लॉकडाउन है, कहीं कर्फ्यू लगा हुआ है, कहीं कोरोना से पूरा परिवार संक्रमित है, कहीं पर दवाओं की शॉर्टेज है, कहीं लोगों को बाकी दवाओं का तो देश ने हाल देख ही लिया है। सुबह ही भाई राकेश जी ने मुझे एक मैसेज फॉरवर्ड किया, जिस एलोपैथी वाले अपने आप को जो सुपर साइंस बोलने वाले हैं, कि गजब का तमाशा है, एलोपैथी एक ऐसी स्टूपिड और दिवालिया साइंस है कि पहले क्लोरोक्विन फेल हुई, फिर रेमडेसिविर फेल हो गई, फिर एंटीबायोटिक्स इनके फेल हो गए, फिर स्टेराइड इनके फेल हो गए, प्लाज्मा थेरेपी के ऊपर भी कल बैन लग गया, और इवरमार्क्टिन भी फेल हो गया, और जो है अभी एक बुखार के लिए क्या दे रहे हैं वो फेवी फ्लू वो भी फेल है। जितनी भी दवाएं दे रहे हैं, फिर लोग कह रहे तमाशा हूं क्या रहा है, बुखार की दवाई उनकी कोई कोरोना के ऊपर काम नहीं कर रही, क्योंकि आप बॉडी का टेम्परेचर उतार देते हैं। टेम्परेचर जिस कारण से आ रहा है, उस वायरस को, उस इन्फ्लेमेशन को, उस बैक्टीरिया को, उस जो है अलग उस फंगस को, जो भी अलग अलग प्रकार के इन्फेक्शन से जिस कारण से बुखार हो रहा हो, उसका निवारण तुम्हारे पास में है नहीं, तो कैसे ठीक करोगे। इसलिए मैं एक बहुत बड़ी बात कह रहा हूं, हो सकता है इसके ऊपर कुछ लोग विवाद करें, लाखों लोगों की मौत एलोपैथी की दवा खाने से हुई है। जितने लोगों की मौत हॉस्पिटल न जाने के कारण से हुई, ऑक्सीजन न मिलने के कारण से हुई है, उससे ज्यादा लोगों की मौत ऑक्सीजन के बावजूद हुई है, दवा एलोपैथी की दवा मिलने के बावजूद हुई है, स्टीराइड की वजह से हुई है। ये कोई ताली बजाने की बात नहीं है, वैसे बात बता रहा हूं, ये पीड़ा की बात है कि लोग समझ ही नहीं रहे करें क्या। इसलिए अभी लाखों लोगों की मौत का कारण एलोपैथी है। आप कहेंगे फिर, मैं कहता हूं एलोपैथी साइंस पूरी खराब नहीं है, मॉडर्न मेडिकल साइंस का हम स्वागत करते हैं, साइंस और टेक्नोलॉजी का विरोध नहीं है, उसमें जो प्रयोग किए जाने वाले जो अलग अलग जो मेडिसिंस हैं, जो उसके अलग अलग थ्योरीज हैं, जो उसके अलग अलग जो फाइंडिंग्स हैं, जो अलग अलग उनकी झूठी रिसर्च हैं, उनका विरोध है। जितने लोगों की मौत ऑक्सीजन ना मिलने से, दवा ना मिलने से, हॉस्पिटल ना जाने से हुई, उससे ज्यादा लोगों की मौत वहां हो रही है, और वहीं अब नए उपद्रव हो रहे हैं। कोरोना के बाद करोड़ों लोगों को, कोरोना के बाद कुछ लोग हॉस्पिटल्स में गए, कुछ ने घरों में ही ठोक ठोक के दवाइयां खाई हैं, मुट्ठा भर भर के, होम क्वारंटीन के दौरान डॉक्टर की सलाह लेकर के दवा खाओ, और सलाह दे रहे हैं वो ये सब जहर खाने की। कोरोना के बाद, कोरोना तो नेगेटिव कर लिया, वो तो अपना आप ही नेगेटिव हो रहा था, उस दौरान अपना बिगाड़ और कर लिया, क्या कर लिया, लीवर खराब कर लिया, डायबिटीज कर ली, फेफड़े खराब कर लिए, 25% 50% 70% फेफड़े खराब कर लिए, बीपी बढ़ा लिया, दिमाग की परेशानियां खड़ी कर ली, नींद नहीं आती है, न्यूरो प्रॉब्लम्स हो गई है, एंजाइटी हो गई है, डिप्रेशन हो गया है, किसी को ब्रेन स्ट्रोक हो रहा है, किसी को कार्डियक अरेस्ट हो रहा है, किसी को रेस्पिरेटरी सिस्टम का फेलियर हो रहा है, किसी की शुगर 400-500 बढ़ गई है, किसी को इम्यूनो सप्रेशन हो गया है, और आर्टिफिशियली इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए जो दवाई ली एलोपैथी की, उससे लोगों के भीतर ही एक अंदरूनी संघर्ष हो रहा है। अब एक तरफ नेचुरल जो हमारी इम्यूनिटी बढ़ती है, वो नेचुरल इम्यूनिटी हमारी ताकत है, और ये जो बाहर से जो एलोपैथी में सो कॉल्ड जो मल्टीविटामिन्स खा रहे हैं, जो केमिकल वाले विटामिन सी और जिंक, जो केमिकल वाले अलग अलग प्रोटीन डाइट, केमिकल वाले अलग अलग जो है विटामिन्स, मल्टीविटामिन्स, और उनसे हो क्या रहा है, उनसे एक बार तो लगता है कि ताकत सी आ गई है, और वो जो आर्टिफिशियली इम्यूनिटी को बूस्ट करते हैं,
फिर कोरोना के कारण से जो आपस में दोनों में संघर्ष होता है तो ऑटोइम्यून डिजीज हो रही है, माने अपनी इम्यूनिटी अपने शरीर के खिलाफ काम कर रही है। अपनी इम्यूनिटी अपने शरीर के खिलाफ जब काम करती है तो जो कोरोना के अंदर होता है, कोरोना ये क्या करता है, गलत सिग्नल पास ऑन करता है और अपनी जैसी कॉपी तैयार करता है। कोरोना शरीर में जाकर के बच्चे पैदा नहीं करता, ये मच्छर संतति नहीं पैदा करता वहां, या ये अपने जैसी कॉपी तैयार करता है, सिग्नल भेजता है किसको, हमारे ही बॉडी की कोशिकाओं को, जिसको नाम दिया जाता है, जो हमारी बॉडी के सेल्स हैं, हमारी बॉडी के जो प्रोटीन्स हैं उनको ही एक सिग्नल देता है। कोरोना का भी एक प्रोटीन है, वो दूसरे प्रोटीन को सिग्नल देता है, उसी को IL-6, उसी को IL-1 बीटा, उसको IL-6 और IL-1 बीटा और TNF-alpha कहते हैं। अब ये शरीर के अंदर जब ये सिग्नल राइट डायरेक्शन में होता है तो इसको कहते हैं साइटोकिन्स के ये सिग्नल पास ऑन होते हैं, जो शरीर की कोशिकाओं को आमंत्रण देते हैं कि हमारे शरीर में कोई विजातीय एंटीबॉडी आ गया है, कोई विजातीय तत्व आ गया है, कोई ऐसा बैक्टीरिया, कोई वायरस, कोई फंगल आ गया है, उसके ऊपर हमें अटैक करना है, उसको मारना है, तो ये उसको मार देते हैं। लेकिन जब बहुत ज़्यादा अंदर यूँ मच जाए कि भारे गाँव के अंदर शोर मच गया, भाई चोर आ गए, चोर आ गए, और अंधेरा वैसे हो रखा है, अब अंधेरे में चोर आ गए, गांव वालों ने एक दूसरे के ऊपर वार प्रहार, एक दूसरे के ऊपर गोली चलानी, लठ मारने शुरू कर दिए, गांव वाले सब घायल होकर के, और गांव का गांव जो है वहां धराशायी हो गया, मर गया, यह हाल हो रखा है। अब लोग क्या करें, ऐसे में हमें लोगों को राइट डायरेक्शन देने की जरूरत है। तो इसके लिए तीन हमने बड़े प्रोजेक्ट लिए हुए हैं। एक ये है कि लोगों को घर बैठे लॉकडाउन के कारण से, कर्फ्यू के कारण से, दवा न मिलने के कारण से, पूरे परिवार के संक्रमित होने के कारण से, दूर दराज के क्षेत्रों में पूरे भारत में हमने 4 केंद्र बनाए, एक हरिद्वार जिसमें हम करीब जो है 700-800 किलोमीटर कवर करते हैं, हरिद्वार के बाद एक नागपुर जिसमें 400-500 किलोमीटर कवर करते हैं, दूसरा तीसरा बैंगलोर जिसमें 700-800 किलोमीटर तक कवर करते हैं, पूरा साउथ कवर करते हैं, और चौथा गुवाहाटी में। एक बार तो इन चारों केंद्रों पर जो हमारे कर्मयोगी भाई बहन सेवा दे रहे हैं, एक बार जोरदार उनका अभिनंदन है। यह हरिद्वार में पूज्य आचार्य श्री के मार्गदर्शन में भाई सुरेंद्र शर्मा जी और भाई कविंद्र जी जो हमारे IT के हेड हैं, और यहाँ पर हमारे पूज्य स्वामी परमार देव जी, पूज्य स्वामी आर्षदेव जी, हमारे महात्मा विनोद जी, हमारे पूज्य स्वामी तीर्थदेव जी, हमारे ये पूज्य सन्यासी निरंतर पुरुषार्थ कर रहे हैं, और सारे हमारे सन्यासियों ने, ब्रह्मचारियों ने, आचार्यों ने, गुरुकुल के बालकों को हमने कहा बेटा आप लोग भी काम करना सीखो, और किस तरह से जब ऐसे कोई अवसर आते हैं तो ये स्किल भी है, ये सीखो। तो बच्चों ने भी बहुत अच्छी सेवा दी, एक बार सबका उनका बहुत बहुत अभिनंदन। अब उसके बाद आपको बुलाया मैंने, पूजा साध्वी देवप्रिया जी जो हमारे पूरा महिला पतंजलियों के समिति की लाखों बहनों का मार्गदर्शन करती हैं, और हमारे परम आदरणीय भाई डॉक्टर जयदीप आर्य जी और आदरणीय भाई राकेश जी जो दोनों हमारे मुख्य केंद्रीय प्रभारी, एक बार इनका भी बहुत बहुत अभिनंदन है। भाई रामाशीष जी, भाई सचिन जी को भी मैंने कहा, सारे संगठन के राज्य प्रभारियों से हमने बात की कि कुछ भाई यहाँ सेवा के लिए भेजिए। अब आपके सेवा के 3 कार्यों के लिए हम आपको यहाँ पर आमंत्रित किए। एक तो यहाँ पर एक बार तो ऐसा हो गया था कि चारों तरफ देश में बहुत अफरा तफरी का माहौल, भय, खौफ, डर और उस असुरक्षा के बीच में कौन मदद करे, तो करीब 1 लाख लोगों ने ऑर्डर मी पर ऑर्डर कर दिए। पहले तो उनके इस विश्वास के लिए हम उनका पतंजलि योगपीठ परिवार की ओर से अभिनंदन करते हैं। करीब 1 लाख लोगों ने 1 सप्ताह में ऑर्डर कर दिए। अब यहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर उतना तो था नहीं कि 1 लाख ऑर्डर को प्रोसेस कर सके, लेकिन रात दिन मेहनत करके हमारे सब ब्रह्मचारियों ने, सन्यासियों ने, आचार्य गणों ने और कर्मयोगी भाई बहनों ने फिर यहाँ कर कुछ लोकल भी सपोर्ट लिया, और हमने लगभग 1 सप्ताह 10 दिन के अंदर 1 लाख से ज़्यादा ऑर्डर यहाँ से प्रोसेस किए। ये बड़ी बात है, इसको कहते हैं आपातकाल में किस तरह से योद्धा बन करके सेवा करना। अब डेली के, अब आज से डेली के ऑर्डर डेली प्रोसेस कर रहे हैं। इसके लिए हम जो पहले कुछ हमारे भाई बहनों को विलंब हुआ, कुछ के कोरियर सभी भी अटके हुए हैं,
पूज्य आचार्य श्री वो सारी जो कोरियर कंपनियां हैं उनके जो मालिक लोग हैं, एमडी लोग हैं, उनके जो डायरेक्टर्स हैं, उनसे खुद बात कर रहे हैं और आगे से ये विलंब होने वाली समस्या भी नहीं आएगी, तो आज शाम तक और व्यवस्थाएं दुरुस्त हो जाएंगी, उसके लिए पुनः एक बार श्रद्धेय आचार्य श्री का अभिनंदन है। ये ऑर्डर मी का काम बहुत बड़ा है, इसमें आप लोगों को यहां पर और जैसे सन्यासियों ने हमारी सेवा दी थी, देखो ये नौकरी नहीं है, ये कोई बेरोजगारी मिटाने वाला अभियान नहीं है, ये विशुद्ध रूप से सेवा है। और सेवा करते हुए आपके लिए जो सेवा सम्मान चाहिए वो हम दे रहे हैं, आगे देंगे और एक बड़ा लक्ष्य हासिल करेंगे। और आप लोगों को धीरे धीरे स्किल अप करके मैं इस लेवल तक लाना चाहता हूं कि ठीक है अमेजोन तो एक पंचायती दुकान है, कोई भी जाकर के वहां कुछ भी बेच सकता है, सब कुछ बिकता है वहां पर, अच्छी बुरी सब चीजें, मीट अंडे से लेकर के दारू बीड़ी सिगरेट शराब से लेकर के और टीवी मोबाइल से लेकर के और जो है जिसको जो चाहिए, जिसको अच्छी बुरी कोई भी चीज चाहिए सब वहां अमेजोन पर फ्लिपकार्ट पर मंगवा सकते हैं। लेकिन पतंजलि के इस ऑर्डर मी पर पतंजलि और रुचि सोया के करीब 1000 प्रोडक्ट हो जाते हैं। अभी कोशिश हमारी पर, हम 1000 ही उपलब्ध करा रहे थे, अभी 700 के करीब किए, वापस हमारी कोशिश होगी कि बहुत जल्दी करीब 1000 से ज्यादा प्रोडक्ट घर बैठे ऑर्डर मी के माध्यम से सबको मिले, ये हमारा लक्ष्य है। बहुत बड़ा काम है, बहुत बड़ा काम है। और क्योंकि हरिद्वार हरिद्वार में ऑर्डर मी से हम यदि हम सप्लाई करते कोरियर करते यहां से तो थोड़ा वक्त लग जाता था, इसलिए 4 जगह किया, तो 4 जगह होने से 24 घंटे से लेकर के और कोशिश होगी हमारी 48 घंटे या 72 घंटे के अंदर सबको सर्विस मिल जाए। इस तरह से आज से हमारा ये कार्य प्रचंड रूप से शुरू हो रहा है। तो मैं सबसे आह्वान करता हूं कि अब इतना कुछ हमने सीखा है और इतना प्रेशर था, उसके बावजूद भी हम कभी निराश नहीं हुए। हमेशा मैं बोलता हूं चाहे हिमालय जैसी चुनौती भी क्यों ना सामने खड़े हो जाए, चाहे कितने ही समस्याएं हों, कितने ही विकट संकट हो, हमें हार नहीं मानने, अपना कर्तव्य पूरा करना है और एक दिन हम सफल होकर के रहते हैं। ये हमने करके दिखाया, आज भी कर रहे और आगे भी करें। तो ये काम हमने किया है और इस काम में अब करीब 500 कार्यकर्ताओं की तो आपकी सेवा ली जाएगी। तो एक बार हमारे पतंजलि योगपीठ के युवा भारत के सब युवक युवतियों का एक बार पुनः बहुत बहुत अभिनंदन करते हैं। ये ऑर्डर मी की एक सेवा है आपकी। अब इस ऑर्डर मी के साथ जो दूसरी बहुत बड़ी सेवा है, ऑर्डर मी ऐप को डाउनलोड करने की सेवा, इसके लिए मैंने सब भाई बहनों से आह्वान किया। होता क्या है हमारे भारत में ना, एक बहुत बुरी चीज क्या है, यहां बुरे लोग तो पूरी तरह संगठित हैं, किसी भी अपने स्वार्थ के कारण से वैचारिक उन्माद जिसको मैं इंटेलेक्चुअल टेररिज्म कहता हूं, वैचारिक उन्माद के कारण से, सांप्रदायिक उन्माद के कारण से, आर्थिक और राजनीतिक उन्माद भर दिया जाता है लोगों में, उससे जो बुरे लोग हैं वो पूरी तरह से पागलपंथी के साथ काम करते हैं। और हमारे वाले अरे हो जाएगा, कौन सी आफत आ रखी है, कौन सी प्रलय हो रखी है, कौन सा अनर्थ हो जाएगा, कौन सी तबाही आ जाएगी, हमें ऐप डाउनलोड करना है कर लेंगे। तो पूरे देश के करोड़ों लोगों में हमने टारगेट लिया है कि हम गुरु पूर्णिमा तक लगभग 1 करोड़ लोगों को ऑर्डर मी के साथ जोड़ेंगे। 1 करोड़ लोग है जी, 1 करोड़ लोगों को ऑर्डर मी के साथ जोड़ेंगे। और इससे अगला टारगेट, यहां तो हम लोग लिमिटेड भाई बहनों को ही सेवा देंगे, फिर दूसरा और बड़ा काम है ऑर्डर मी के साथ साथ, इससे भी बड़ा काम, स्थायी काम और इन एमएनसीज को चुनौती देने वाला काम। इस देश में जो आर्थिक और सांस्कृतिक वैचारिक लूट और गुलामी का जो षड्यंत्र चल रहा है उसके खिलाफ दूसरा बड़ा काम हमने शुरू किया है, स्वदेशी समृद्धि कार्ड। ये स्वदेशी समृद्धि कार्ड क्या है,
स्वदेशी समृद्धि कार्ड ये है कि जो स्वदेशी समृद्धि कार्ड बना लेंगे उनके 5 बड़े फायदे होंगे। सबसे पहला फायदा, 5 से लेकर के 10% तक की छूट सभी प्रोडक्ट्स में। एक तरफा 5% की छूट, घी है, तेल है, नमक है, आटा है, मसाले हैं, सब चीज़ों में, दंत कांति है, केश कांति है, सब में 5% की छूट। दवाओं में, चाहे पतंजलि की दवा है तो दिव्य फार्मेसी की, अब बहुत जल्दी ही न्यूट्रास्यूटिकल प्रोडक्ट्स आने वाले हैं। ये सब जहर खिला खिला करके जो मारे, तो हमने लाइकिन से हमने विटामिन डी तैयार किया है, मकई से हमने, कोरहल से हमने विटामिन B12 तैयार किया है, और मोरिंगा से हमने बी कॉम्प्लेक्स तैयार किया है, मोती पिष्टी और मुक्ता शक्ति से हमने बोन हेल्थ कैल्शियम तैयार किया है, और मंडूर से और पालक से, स्पेनिच से, और उसके अंदर थोड़ा सा एलोवेरा और ये सब मिला करके रोजी हिप्स, उससे हमने आयरन कॉम्प्लेक्स, खून बढ़ाने के लिए टैबलेट तैयार किए, हमने फ्लैक्स सीड से और ओमेगा से, ओमेगा 3, 6, 7, 9 ओमेगा तैयार किया, और रोजी हिप्स बोलते हैं गुलाब के पंखुड़ियाँ जिस गोल गोल डंडी उसके ऊपर लगती है, डंठल के ऊपर, उसको रोजी हिप्स कहते हैं। उसमें सबसे ज़्यादा रिच और सबसे ज़्यादा हेल्दी विटामिन सी होता है, बाकी जितने भी सिट्रिक फ्रूट्स होते हैं उसमें खटास होता है, वो जोड़ों का दर्द और कई बार कफ कोल्ड को भी बढ़ा देता है। तो विटामिन सी तो मिले लेकिन सिट्रिक एसिड ना हो, इसके लिए हमने सबसे सेफ विटामिन सी ढूंढा रोजी हिप्स में, और उसके साथ जिंक मिला दिया। तो इस समय लोगों की इम्यूनिटी बूस्ट करने में और उनको अलग अलग बीमारियों से लड़ने में ये ताकत देगा। इसी के साथ हमने मल्टीविटामिन भी, वो भी न्यूट्रीला डेली एक्टिव के नाम से, सारी चीज़ें बहुत बड़े रूप में सब तैयार किया है, सारे अलग अलग प्रकार के प्रोटीन डाइट्स, वेट गेन और इसी तरह से मसल गेनर्स, और सारे वुमेन सुपर फूड, मैन सुपर फूड, किड्स सुपर फूड, डायबिटिक केयर, एक लंबी श्रृंखला है। और आजकल लोग बूढ़े नहीं होना चाहते, सब जवान रहना चाहते हैं, तो जो चमड़ी को जवान रखता है ना, उस ये प्रोटीन का नाम कोलेजन कहते हैं। एक कोलेजिनेज होता है जो इसको तोड़ता है, उसको कम करना और कोलेजन को स्ट्रेंथन करना। तो अभी तक च्यवनप्राश तो बहुत खाया था, अब पतंजलि न्यूट्रीला ब्रांड के नीचे एक नया एजिंग को, एजिंग प्रोसेस को रिवर्स करने वाला और सदा आदमी जवान रहे, उसकी ये स्किन के प्रोटीन टूटे नहीं, इसके लिए कोलेजन प्लस भी अगले महीने लेकर के आ रहा है। तो इस सारे प्रोडक्ट्स के ऊपर 10% की छूट, और इसमें विशेष अवसरों पर 20-25% तक भी किसी किसी प्रोडक्ट के ऊपर छूट दी जाएगी। और जो स्वदेशी समृद्धि के साथ जुड़ेंगे 5-10 और विशेष अवसर पर, किसी कभी कभी लोगों का जो है अपने साथ और अलाइन करने के लिए, उनको हौसला देने के लिए, उनके अलग अलग मौक़ों पर सहायता करने के लिए, उनको पुरस्कार देने के लिए, उनको अपने साथ और ज़्यादा पतंजलि के साथ उनकी लॉयल्टी, उनका ट्रस्ट, उनका इमोशनल बाउंडिंग और स्ट्रांग हो, उसके लिए और भी कार्यक्रम चलेंगे। लेकिन एक उनको विशेष रूप से पुरस्कृत करने के लिए महीने में 25-50 लाख से शुरू करके 1 करोड़ रुपये तक के इनाम भी दिए जाएंगे। ये कार्य हो, कोई बड़ा एक्सीडेंट हो गया तो 2.5 लाख रुपए तक की मदद, और कोई भी जिसके पास भी स्वदेशी समृद्धि होगा, न आप ये जिंदगी तो अब इसमें बहुत तरह के संघर्ष हैं, न जाने कब किसके साथ कौन सी दुर्घटना हो जाए। 1 लाख के करीब लोग तो यहाँ सड़क दुर्घटनाओं में और छोटी मोटी दुर्घटनाओं में हर साल मरते हैं, तो कोई भी दुर्घटना में किसी की मृत्यु हो जाती है, और जिसके पास स्वदेशी समृद्धि कार्ड है तो उसके कोई भी परिजन के जाने पर उसके परिवार की हम सेवा के लिए हाथ आगे बढ़ाते और उसको 5 लाख रुपए तक की मदद देते हैं, ये उसमें होता है। और इस स्वदेशी समृद्धि के माध्यम से एक बड़ा काम कि आप इस देश को विदेशी कंपनियों की आर्थिक लूट और गुलामी के षड्यंत्र से बचाते हैं। मैंने कितनी बार कहा है, बाल हमारे देशी लेकिन पैंटीन, हेड एंड शोल्डर, डॉ, क्लिनिक प्लस, लॉक्स, शैम्पू विदेशी क्यों? और केवल जहर घुले सारे प्रोडक्ट, जहर मिले सारे प्रोडक्ट, जो हेयर ऑयल के नाम पर जो हम यूज करते हैं वो पैराफिन है, वो विशुद्ध रूप से पेट्रोलियम प्रोडक्ट है, जो लगातार बालों में लगाने से आपको ब्रेन कैंसर हो सकता है, और ये हुआ है
अमेरिका में वहां के सेंट्रल फेडरल जो गवर्नमेंट है उसके रिसर्च में फाउंडिंग है। बताओ एलएलपी पैराफिन यूज कर रहे बालों के लिए, दांत देसी, कोलगेट, क्लोजअप, पेप्सोडेंट, क्यों भाई क्या मतलब है? और फायदा कोई नहीं, केवल जहर गोली प्रोडक्ट। स्किन केयर ये भी फेयर एंड लवली से लेकर के तमाम फेस वॉशेज, फेस क्रीम सब, मॉइस्चराइजर्स, बॉडी लोशन सब विदेशी, साबुन विदेशी, लॉक्स लाइफबॉय डो विदेशी, क्यों? फेस वॉशेज विदेशी, हैंड वॉश विदेशी, डिटोल, डिटोल से भी ज्यादा बेस्ट, हमने पहले हर्बल हैंड वॉश और अब जर्मियक्स हैंड वॉश से लेकर के सैनिटाइजर से लेकर के स्प्रे से लेकर के बाथ सोप से लेकर के सब कुछ तैयार किया है। फ्लोर क्लीनर गोनाइल और जर्मियक्स और टॉयलेट क्लीनर अपना ग्रीन फ्लश, क्या नहीं है, सब कुछ हमने तैयार किया है। और इसलिए आप और इसके साथ साथ फूड प्रोडक्ट सारे, माने एडिबल ऑयल से लेकर के घी तेल आटा नमक दाल चावल से लेकर के सब कुछ, आपको जब जिसमें अपने देश की मिट्टी की खुशबू है, जो नेचुरल है, जिनमें प्योरिटी है, और प्योरिटी के साथ जिनके भीतर चैरिटी का एक दृष्टि है कि पतंजलि का 100% अर्थ परमार्थ के लिए है, स्वामी रामदेव की कोई व्यक्तिगत संपदा नहीं है। ये कौन से ब्रांड में है? सारे बड़े बड़े ब्रांड अपने महबूबाओं के लिए 5-5, 10-10 हजार करोड़ की कोठियां बनाते हैं, 500,000-2,000 करोड़ का कोई प्राइवेट जेट खरीद के लाते हैं, किसी ने 10-10 हजार 50-50 हजार 1-1 लाख एकड़ के फार्म हाउस बना रखे हैं। हम जमीन पर सोने वाले लेकिन इस जमीन की माटी के गौरव को बढ़ाने वाले फकीर हैं और इस काम में लगे हुए। तो इसलिए मैं कह रहा था ऑर्डर में के साथ जो दूसरा बड़ा काम है, वो बहुत बड़ा काम, हमें गुरु पूर्णिमा तक ऑर्डर में के साथ तो 1 करोड़ लोगों को जोड़ना ही है, स्वदेशी समृद्धि कार्ड के साथ 1 करोड़ लोगों को जोड़ना है, और इसके द्वारा हम एमएनसीज को वो टक्कर दे पाएंगे। अभी तो जो पतंजलि ने किया वह भी कीर्तिमान, पूरी दुनिया के बड़े बड़े बिजनेस स्कूल में पतंजलि मॉडल पढ़ाया जाता है। आज आत्मनिर्भर भारत की सबसे बड़ी कोई प्रेरणा है तो पतंजलि, आत्मनिर्भर भारत, ये इतना बड़ा काम। और इस ऑर्डर में और स्वदेशी समृद्धि कार्ड, ये तो दो बड़े अभियान है। अब एक तो ऑर्डर में तो आप यहां से भेज ही रहे हैं, नागपुर से, बेंगलोर से, गुवाहाटी से, 4 जगह से काम चल रहा है, कुछ दिल्ली से भी कर रहे हैं प्रोसेस, दिल्ली में भी अभी 4-5 जगहों पर चल रहा था, उसको सेंट्रलाइज करके वहां पर भी 1 जगह से शुरू कर दिया जाएगा जिससे कि क्वालिटी वर्क हो। लेकिन इसके साथ साथ जो मैंने कहा ना, ये ऑर्डर मी वाला काम, तो ये स्वदेशी समृद्धि कार्ड बनाने वाला काम, जिनको यहां सेवा नहीं दे पाएंगे, ऐसे कम से कम 5,000 युवक युवतियों को पूरे भारतवर्ष के अपने संगठन के कार्यकर्ताओं, युवा भारत के करीब 5,000 कार्यकर्ताओं के लिए आने वाले 3 महीनों का ये सबसे बड़ा टास्क है, और 2.5 से 3 महीने में इस काम को पूरा करके विश्व का सबसे बड़ा कीर्तिमान हमको बनाना है पूरे देश में। खाली हरिद्वार का विषय नहीं है, पूरे देश में, और ये कुछ भी नहीं है, एक आदमी अपने शहर में, अपने तहसील में, अपने जिले में कितने लोगों का कार्ड बना सकता है बच्चों? एक आदमी यदि संपर्क करे दिन भर 8-10 घंटा 10-12 घंटा काम करे तो कितने लोगों के कार्ड बना सकता है, लोगों को कन्विंस करके कि आप इससे जुड़िए तो पतंजलि के आप तो 100% नेचुरल प्रोडक्ट मिलेंगे, उसमें भी आपको 5-10% की छूट मिलेगी, उसमें भी 2.5 से 5 लाख रुपए तक का बीमा मिलेगा और कुछ विशेष पुरस्कार भी मिलेंगे, और सबसे बड़ी बात है इस राष्ट्र को वैभवशाली बनाने का, विदेशी कंपनियों के आर्थिक लूट, गुलाम और षड्यंत्र से बचाने का काम है। तो एक दिन में एक हमारे भाई बहन कितने मेंबर बना सकते हैं? कम से कम 10-15-20, कितने? 150 तो बहुत ज्यादा हो जाएंगे, कम से कम 15-20 तो बना सकते हैं, 15-20 तो बना ही सकते हैं ना, 15-20 कार्ड भी एवरेज बनाए
तो ये भारत में एक नया इतिहास बनने वाला है और इसमें युवा भारत का इस समय का सबसे बड़ा टारगेट यही हमने सेट किया है। ये बहुत बड़ा काम है और इसमें वो युवा अपने शहर में ही 15,000 से 20,000 रुपए की अपनी इनकम भी कर सकेगा। ये उसका सबसे बड़ा स्वावलंबन है। 15,000 से 20,000 की उसकी इनकम होगी, उसको भी, अरे आखिर वो भी युवक है, उसकी भी अपनी एक जिंदगी है। तो इसलिए आज का मैंने कार्यक्रम का नाम दिया स्वावलंबन से एक आत्मनिर्भर भारत का निर्माण हम कैसे कर सकते हैं। तो ये छोटी सी मैंने एक दृष्टि रखी है, यह है आत्मनिर्भर भारत बनाने का एक प्रयास। ऐसे ही खेती में, उद्योग में, शिक्षा में, भारतीय शिक्षा बोर्ड के माध्यम से, पतंजलि गुरुकुलम, आचार्य कुलम पतंजलि विश्वविद्यालय के माध्यम से, और जिन युवाओं के बहुत ऊंचे सपने हैं उनको वैदिक गुरुकुलम, वैदिक कन्या गुरुकुलम के माध्यम से, शिक्षा में, चिकित्सा में, पतंजलि आयुर्वेद और दिव्य फार्मेसी से लेकर के पतंजलि रिसर्च इंस्टीट्यूट से लेकर के बहुत बड़ा काम है। तो आगे इस दिशा में बहुत आगे जाना है हमें, शिक्षा में, चिकित्सा में, अनुसंधान में, खेती में। और पहले पतंजलि की कोई लिस्टेड कंपनी नहीं थी, जब से हमने रुचि सोया को एक्वायर किया, उसका अधिग्रहण किया एक NPA कंपनी को, आज पूरी दुनिया में FMCG में किसी NPA दिवालिया हुई कंपनी को टेक ओवर करने के बाद में उसकी 4 से 5 गुना किसी ने वैल्यू करके दिखाई तो वो पतंजलि है। यह भी एक इतिहास हमने बनाया। बड़ी सोच के साथ कोई काम किया जाता है, छोटी सोच से, खोटी सोच से कोई बड़ा काम नहीं हो सकता है। वो काम भी चल रहा है। अभी पतंजलि की जो मार्केट वैल्यू है ना, पतंजलि ब्रांड की, आज वो पतंजलि एज ए इंस्टीट्यूशन, उसकी जो ब्रांड इक्विटी जिसको बोलते हैं ना, वो आज 1.5 से 2 लाख करोड़ की है। और आने वाले 5-10 सालों तक हमको मेहनत करके आज यूनिलीवर की मार्केट कैप, उसकी मार्केट वैल्यू, उसकी ब्रांड वैल्यू पूरे देश में 5 लाख करोड़ की है। तो हमें यूनिलीवर से, ये क्या है, ये फाइजर फ्यूजर क्या है, ये जो है कोका कोला पेप्सी वाले क्या है, कोलगेट पोमोली वाले कौन होते हैं, नेस्ले वाले, इनसे भी, इन सब से भी, इन सबको मिला करके इन सबसे बड़ी वैल्यू हमें पतंजलि की खड़ी करनी है देश के हित के लिए। तो ये काम हमें करना है। उसके लिए आपको एक दृष्टि देने के लिए, उसमें आप अपनी भूमिका निभाने के लिए आपको आमंत्रित किया गया। आप सबका बहुत बहुत अभिनंदन है। अभी के कार्यक्रम को तो यहीं पर विराम देंगे। इसके बाद जो ऑर्डर में का कार्य, अब एक दिन का कार्य एक दिन में पूरा हो रहा है, उसका लाइव जो है दर्शन हम अपने फेसबुक के जितने भी हमारे समर्थक हैं, जो हमारे राष्ट्र भक्त, हमारे योद्धा हैं, उनके लिए हम वहाँ का भी एक थोड़ा सा दिग्दर्शन कराएंगे। क्योंकि बहुत सी राष्ट्र विरोधी, भारत विरोधी, योग विरोधी, ऋषि परंपरा विरोधी, सनातन विरोधी, हिंदू विरोधी ताकतें काम कर रही हैं। आज ही मैंने सुबह सुबह एक बयान जारी किया कुंभ मेले को बदनाम करने के लिए, सनातन हिंदू धर्म को बदनाम करने के लिए एक टूल किट बनाया गया और पूरे हिंदू धर्म को बदनाम करने के लिए तरह तरह के षड्यंत्र किए जा रहे हैं। मैंने कहा यह बहुत बड़ा तुम सामाजिक, राजनीतिक, धार्मिक पाप कर रहे हो, अपराध कर रहे हो, और ये 100 करोड़ से ज्यादा का हिंदुस्तान आपको माफ नहीं करेगा। पूरे देश को मिलकर के इसका विरोध करना चाहिए, इसका बहिष्कार करना चाहिए, और हम लोग करेंगे इस काम को, और इन सब भारत विरोधी ताकतों को उनके औकात भी बता देंगे। तो चलिए अब के कार्यक्रम को यहीं पर विराम देते हैं। बोले भारत माता की, दोनों हाथ उठा करके भुजाओं में दमखम दिखाना चाहिए। भारत माता की, भारत माता की। तो अभी के कार्यक्रम को ये तो यहीं पर विराम दिया।